नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं चाइनीज़ एमपीवी के सामने जिसका नाम है शेवरोले एंजॉय। 2010 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में आती थी। रेंज शुरू होती थी एक्स-शोरूम 6 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत थी 7 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल LTZ आप देख रहे हैं। इंडिया में 2013 से लेकर 2017 तक बेची थी शेवरोले ने एंजॉय। SAIC मोटर, जनरल मोटर्स और वुलिंग मोटर्स ने जॉइंट वेंचर में बनाया था वुलिंग होंगवांग को चाइना में। वुलिंग होंगवांग को ही इंडिया में शेवरोले एंजॉय के नाम से बेचती थी। 2018 से एंजॉय की सेकेंड जनरेशन भी आ चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। लेट्स सी वो इंडिया कब आएगी, क्योंकि 2017 से शेवरोले कंपनी भी बंद हो चुकी है इंडिया में। चाइना में वुलिंग होंगवांग के नाम से बिकती थी और इंडिया में शेवरोले एंजॉय के नाम से बेचती थी इस एमपीवी को। और ये लीफ स्टाइल में फॉग लैम्प, क्रोम सराउंड 3D ग्रिल, गोल्डन बोटाई शेवरोले लोगो, और ये सूश स्टाइल में हेडलैम्प, दो वाइपर्स हैं, एंटेना, रूफ रेल हैं। और ये एंजॉय के ओरिजिनल डोर वाइजर, पावर एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं, साइड इंडिकेटर, एंजॉय की बॉडी साइड मोल्डिंग, 4.3 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 161 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 1300 kg कर्ब वेट है एंजॉय का। और ये 14 इंच के अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर्स हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। अलॉयज़ के बीच में भी शेवरोले का लोगो है। ये सिल्वर कलर आप देख रहे हैं, रेड, बीज, ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर का भी ऑप्शन आता था। भारत स्टेज 4 OBD2 कंप्लायंट व्हीकल है एंजॉय। एंजॉय के ही प्लेटफॉर्म पे वुलिंग होंगवांग S1, S3 SUV और रोंगवांग भी बनी थी। इंडिया और चाइना में असेंबली होती थी एंजॉय की। एंजॉय का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता था, बट उसको इंडिया नहीं लाया गया कभी। फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव है एंजॉय। और ये टेल लैम्प, शेवरोले की बैजिंग, शेवरोले का लोगो, एंजॉय की बैजिंग, टॉप मॉडल LTZ की बैजिंग, और ये TCDi टर्बो चार्ज कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन की बैजिंग, रियर सेंसर्स हैं, और ये स्पेयर व्हील, और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप, रियर वाइपर, और स्पॉइलर के साथ CHMSL सेंटर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा। आगे मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे। पैसिव ट्विन ट्यूब गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर्स हैं एंजॉय में। टिंटेड ग्लासेस हैं। सेफ केज बॉडी स्ट्रक्चर है एंजॉय का। साइड इंपैक्ट फ्रंट और रियर डोर बीम्स हैं। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिमोट कीलेस एंट्री, रियर डोर चाइल्ड लॉक, डुअल हॉर्न, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, और आगे 3-point ELR सीट बेल्ट्स मिलेंगी। 3 साल 45,000 किलोमीटर की वारंटी शेवरोले देती थी एंजॉय पे। शेवरोले की एक्सरीज पे 1 साल 20,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती थी। रियर स्लाइडिंग डोर वाला मॉडल भी आता था एंजॉय का, बट वो इंडिया नहीं लाया गया कभी। स्लाइडिंग डोर वाला मॉडल काफ़ी यूजफुल होता।
भाई ये बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 195 लीटर की बूट स्पेस, थर्ड रो सीट्स फोल्ड करने पर 630 लीटर की स्पेस बन जाएगी। एंजॉय की मैटिंग्स हैं, अंदर कुछ नहीं है, प्लेन रूफ है और ऐसे सीट्स फोल्ड हो जाएंगी थर्ड रो की, और आपको मिलेगी 630 लीटर की बूट स्पेस। और यहाँ थर्ड रो के लिए 12V का चार्जिंग पोर्ट भी है। रूफ पे एसी वेंट हैं। आइए अब पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। फोर स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा एंजॉय में। नीचे थोड़ी स्पेस है, साइड में स्पीकर, पावर विंडो का बटन, साइड में थोड़ी स्पेस, और ये लेदरी अपहोल्स्ट्री पे सीट कवर्स आप देख रहे हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन आता था, ये 8 सीटर मॉडल है, 7 सीटर का भी ऑप्शन आता था। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, रूफ पे एसी है, 4 AC वेंट्स मिलेंगे। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, डुअल टोन डैशबोर्ड है, टिल्ट स्टेयरिंग है। और ये एसी का कंट्रोलर, रीडिंग लाइट है, और ऐसे सेकंड रो फोल्ड होगी और आपको स्पेस मिलेगी थर्ड रो पे जाने के लिए। ये ओरिजिनल एंजॉय के सीट कवर्स आप देख रहे हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, काफी लेग रूम है थर्ड रो के लिए। ये 8 सीटर मॉडल है। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहां पर भी नीचे स्पीकर है और ऐसे दिखती हैं आगे की सीट्स। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर, थोड़ी स्पेस है। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं। स्पीकर और ऐसे दिखती हैं आगे की सीट्स, सीट एडजस्टर, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, लेदरी अपहोल्स्ट्री आती थी एंजॉय में, उसके ऊपर ये सीट कवर्स हैं। और ये है पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पे भी कवर लगा हुआ है। लाइट के कंट्रोल्स, बोनेट खोलने का लीवर, पेडल्स, यहाँ थोड़ी स्पेस है, एसी वेंट, और यहाँ से भरेंगे डीजल। आइए कार ऑन कर लेते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन।
यहाँ दो ग्लास होल्डर्स हैं और ये लाइटर और ये एश्ट्रे और ये है मैनुअल एसी और ये है इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम, सपोर्ट करेगा रेडियो, एफएम, सीडी, ऑक्स और यूएसबी। स्टाइलिश ब्लैक पे ब्लू हाईलाइट में डिस्प्ले है तीन एसी वेंट्स हैं शानदार डैशबोर्ड की फिनिश और ये ग्लो बॉक्स यहाँ ऊपर भी थोड़ी स्पेस है ग्लो बॉक्स में और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर और ये डे नाइट रियर व्यू मिरर रीडिंग लाइट है और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर और ये है थ्री स्पोक स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील और ये वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं और ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा आरपीएम, स्पीड कूलेंट टेम्परेचर और फ्यूल लेवल कई सारी वार्निंग लाइट्स हैं और डिजिटल डिस्प्ले दिखाएगा ट्रिप मीटर और ओडोमीटर आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन तो ये है 1300 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर स्मार्टटेक टर्बोचार्ज डीओएचसी डेवू एसटेक डीजल इंजन 76 हॉर्स पावर है 172 एनएम टॉर्क है और 18 का एवरेज मिलेगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से पेट्रोल में 1400 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर स्मार्टटेक डेवू एस-टेक इंजन आता था उसकी थी 102 हॉर्स पावर 131 एनएम टॉर्क और वो देता था 13 का एवरेज हाइड्रोलिक लैश एडजस्टर्स के साथ लो इनर्शिया वॉल्व ट्रेन है कम मेंटेनेंस के लिए कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है परफॉर्मेंस स्मूथ राइड और ज़्यादा एवरेज के लिए 1300 सीसी डीजल इंजन है ये इसका एवरेज है 18 का तो कैसी लगी आपको शेवरोले एंजॉय हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू